डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेस। आज का हमारा टॉपिक WBC है। इससे पहले आपने RBC की स्टडी की है। आपका जो लेक्चर फर्स्ट है, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, उसमें उसको हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया था। पहला RBC पार्ट था या ब्लड कंपोजिशन था, और दूसरा WBC एंड फंक्शन ऑफ ब्लड है, ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए टॉपिक। WBC की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लिएटेड सेल, ये बात आप याद रखेंगे कि WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट फैगोसाइटिक इन नेचर, WBC जो होती हैं वो ज़्यादातर फैगोसाइट इन नेचर होती हैं, यानी इनका नेचर खाने वाला होता है। किसी भी डैमेज टिश्यूज़ को या कोई फॉरेन माइक्रोब्स आ जाते हैं तो उसको ये खा जाती हैं। लाइक स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा, सो कॉल्ड अमीबॉइड शेप, जैसे कि अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, वैसे WBC का भी शेप स्यूडोपोडिया की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप अमीबॉइड बोला जाता है। द नंबर ऑफ WBC 7000 से 9000 पर mm³, इनकी संख्या 7000 से 9000 पर mm³ होता है। रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इज 1:600, यानी एक RBC एक WBC के ऊपर 600 RBC पाए जाते हैं। क्लियर, यानी 600 गुना ज़्यादा RBC पाई जाती हैं एक ह्यूमन बींग के अंदर WBC के तुलना में। तीन कंडीशन दी हुई, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया और ल्यूकोपीनिया। तो तीन कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या है। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, इंक्रीज ऑफ WBC नंबर, यानी इसमें WBC के नंबर बढ़ जाते हैं। ल्यूकीमिया में क्या होगा, सीवियर इंक्रीज ऑफ WBC नंबर, इसमें भी WBC के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो नोट करके हमने क्लियर किया है। इन ल्यूकोसाइटोसिस नॉर्मल यानी मेच्योर सेल ऑफ WBC इंक्रीज्ड, बट इन ल्यूकीमिया इमेच्योर सेल्स ऑफ WBC इंक्रीज्ड। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ल्यूकोसाइटोसिस में मेच्योर सेल ऑफ WBC इंक्रीज होती हैं, जबकि ल्यूकीमिया में इमेच्योर सेल ऑफ WBC इंक्रीज होती हैं। ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC के नंबर घट जाते हैं, जिसको टाइफाइड फीवर कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी, तो WBC को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। जो लाइसोसोमल ग्रेन्यूल होता है उसके बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट आ ग्रेन्यूलोसाइट और सेकंड ग्रेन्यूलोसाइट। चूंकि नाम से क्लियर है, आ का मतलब अब्सेंट, ग्रेन्यूलो का मतलब ग्रेन्यूल, साइट का मतलब सेल, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल अब्सेंट हो उसको बोलेंगे आ ग्रेन्यूलोसाइट। 25 से 30% पाई जाती हैं। सेकंड है ग्रेन्यूलोसाइट, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाया जाए, इसका भाग 70 से 75% होता है। लाइफ स्पैन की अगर बात कर लें तो 1 to 8 आवर्स होता है, यानी 1 से 8 घंटा इसकी लाइफ स्पैन है। स्टेन के बेस पर अगर WBC को क्लासिफाई करें तो एसिडिक डाई, बेसिक डाई और एसिडिक प्लस बेसिक डाई, तीन तरह की डाई होती हैं जिनसे इनको कलर किया जा सकता है। यदि एसिडिक डाई से कलर करेंगे तो वो अलग टाइप की होंगी WBC, बेसिक डाई से कुछ कलर हो सकती हैं, और बाकी दोनों तरह की डाई से कुछ WBC कलर या स्टेन हो सकती हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिडिक डाई, एसिडिक डाई का एग्जांपल अगर देखा जाए तो वो एसिडोफिल या ऑक्सीफिल या इओसिनोफिल राइट कहलाती हैं। स्टेन बाय एसिडिक डाई इओसिन, इओसिन एक एसिडिक डाई है, इससे ये कलर हो सकती हैं। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, इस तरह के WBC में न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है। डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाया गया, दोनों को एक धागे से जोड़ा गया जिसको बोलते हैं फाइन थ्रेड। इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक एंड वॉर्म इन्फेक्शन, कोई कीड़ा काट ले या कोई एलर्जी हो तो इनकी संख्या बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है। नॉट फाइगोसाइटिक इन नेचर, अमूमन ये फाइगोसाइट नेचर की नहीं होती, बट कैन बी कन्वर्टेड स्लाइटली फाइगोसाइट, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये उसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। क्लियर,
अब बात करेंगे बेसिक डाई से। बेसिक डाई से जो डब्ल्यूबीसी कलर हो जाते हैं, स्टेन होती हैं, उनको बोलते हैं बेसोफिल, लेस देन 1%। इनकी संख्या 1% से भी कम है। स्टेंड बाय बेसिक डाई मेथाइलिन ब्लू, मेथाइलिन ब्लू एक बेसिक डाई है, इससे ये स्टेन हो सकती है। न्यूक्लियस इज डम्बल शेप्ड, हमने पहले भी आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस का शेप याद रखिएगा, कहीं बाइलोब्ड है, कहीं डम्बल है, कहीं किडनी शेप है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या न्यूक्लियस इज डम्बल शेप या एस शेप का है। स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बी सी है, सिमिलर टू द मास्ट सेल बिकॉज इट रिलीजेज हेपाइरिन, एंटी कोगुलेंट सबस्टेंस आप जानते हैं, हिस्टामिन वैसो डिलेटर है एंड सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो मास्ट सेल से मिलती जुलती सेल है, क्लियर, क्योंकि हेपाइरिन हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का ये सेग्रेशन करती है। हेल्प इन द इन्फ्लामेशन रिएक्शन, स्वेलिंग में ये मदद करती है ये डब्ल्यू बी सी। इसी तरह से न्यूट्रोफिल या हेट्रोफिल 60 से 70% पाई जाती हैं। स्टेंड बाय एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई, दोनों तरह की डाई से इसको स्टेन किया जा सकता है। इसका न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 5 लोब्ड होता है, 2 से 5 लोब्ड होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट फाइगोसाइटिक डब्ल्यू बी सी, सबसे ज़्यादा फाइगोसाइट इनका नेचर होता है। इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के दौरान इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है, तभी डॉक्टर आपको बताता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है। डेड न्यूट्रोफिल्स आर नोन एज पस, जो पस निकलता है मवाद जिसको बोलते हैं वो डेड न्यूट्रोफिल सेल होती है, क्लियर। तो ये बात हो गई ग्रेन्यूलोसाइट की, यानी इनके अंदर ग्रेन्यूल्स था और ये कलर हो सकती थी। अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, आ ग्रेन्यूलोसाइट 25 से 30% भाग बनाती हैं, हैव नो ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1 day to few months एंड ईयर, एक दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है और सालों तक इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। इट इज़ अ फॉलोइंग टू टाइप, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट का नाम तो आप सुनते ही हैं कि लिम्फोसाइट क्या है, 20 से 25% भाग बनाती हैं, हैविंग लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, स्फेरिकल शेप का डायग्राम में दिख रहा है। फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, आपके शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन लिम्फोसाइट ही करती है, क्लियर, T4 लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट आप नाम सुन रखे हैं। दे आर नो फाइगोसाइटिक इन नेचर बट कैन बी कन्वर्टेड इंटू फाइगोसाइट सेल, इनका अमूमन नेचर नहीं होता है फाइगोसाइटिक, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह कन्वर्ट हो सकती हैं। इंक्रीजेस ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन, जब कोई भयानक बीमारी होती है तब इनका नंबर बढ़ता है। इट मे बी आर फॉलोइंग टू टाइप्स, लिम्फोसाइट भी दो तरह की हो सकती हैं, आपको हमने बताया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनेगी और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड के अंदर बनती है, दोनों एंटीबॉडी हैं, क्लियर। टी लिम्फोसाइट को फर्दर 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। एक नज़र देख लेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्टली इल्यूमिनेट द एंटीजन फ्रॉम सेल बाय बाइंडिंग प्रोसेस, कोई भी एंटीजन अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्टली उसको इल्यूमिनेट कर देती है, यानी बाहर निकाल देते हैं, बाहर खदेड़ देती हैं, क्लियर, उसको उसके साथ बाइंड करके उसको बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। हेल्पर टी सेल क्या, नाम से क्लियर, हेल्पर, हेल्पर टी सेल्स पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल्स, है ना, यानी बी सेल्स की मदद से ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे और वो टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, क्लियर, और उसके बाद किसी भी एंटीजन को बाहर का रास्ता दिखा पाते हैं। रेगुलेटरी टी सेल जो होती है सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ बी सेल एंड अदर टी सेल टू एंटीजन। सेकेंड पार्ट इसका है मोनोसाइट, पहला लिम्फोसाइट हो गया, दो भाग उसके देख लिए आपने, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है मोनोसाइट, लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी, कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी कौन सी होती है, तो आप आंसर करेंगे कभी भी अगर आ गया तो मोनोसाइट को आप टिक करेंगे, 5 से 10% भाग बनाती है। फॉर्म्ड माइक्रोफेजेस बाय यूनियन ऑफ मेनी मोनोसाइट,
इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है या हार्स शू शेप या बीन शेप। बीन आपने देखा है, बीन या किडनी शेप उसकी तरह से इसका आकार होता है न्यूक्लियस का, क्लियर। या हार्स शू शेप भी इसको बोलते हैं। फंक्शन, दीज माइक्रोफेजेस माइग्रेट फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर नोन एज बाउंड्री माइक्रोफेजेस एंड गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो माइक्रोफेजेस के रूप में ये वांडरिंग किया करती हैं सेल के अंदर, और जैसे ही कोई एंटीजन इनको दिखाई देता है उसके साथ जाके ये बाइंड कर जाती हैं, या कोई इन्फेक्शन दिखाई देता है उसको इन्फेक्शन के साथ बाइंड कर जाती हैं, जिससे कि घाव आपका भर जाता है। हीलिंग ऑफ वुंड इसको कहते हैं ना, घाव का भरना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मोनोसाइट। इसका फंक्शन क्या है कि माइक्रोफेजेस के रूप में ये वांडरिंग क्या करते हैं सेल के अंदर, और जहाँ भी घाव होता है वहाँ पर जाके उस साइड से बाइंड हो जाती हैं और उसके बाद हीलिंग किया करती हैं, यानी घाव को धीरे धीरे भरा करती हैं। तो इस तरह से ये WBC आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड सेल थी, ब्लड सेल्स का जो थर्ड टाइप था उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स द थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स आर नोन एज सेल फ्रेगमेंट्स। लाइफ स्पैन इज 8 to 10 days। नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेल फ्रेगमेंट इसको बोलते हैं, इसका लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इज 2.5 से 4 लाख पर MM³। यहीं से पता चलता है, आजकल आप जानते हैं कोरोना फीवर हो या आपका डेंगू फीवर हो, सब में फीवर का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना। 1 लाख के नीचे आ जाती तो कहते हैं सीवियर कंडीशन है, पेशेंट बचता नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल इसकी रेंज क्या है, 2.5 से 4 लाख है। अपने ब्लड का टेस्ट आप लोग भी करवा सकते हैं, उससे आइडिया लगेगा कि आपके अंदर प्लेटलेट्स कितने हैं। फंक्शन, इट प्लेज मेजर रोल इन द होम्योस्टेसिस प्रोसेस। होम्योस्टेसिस प्रोसेस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट्स प्लग। जब आप सपोज करिए कट जाते हैं या चोट लग जाती है और ब्लड बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलता है, तो यही प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस प्रोसेस। हीमोस्टेसिस, हीमो हीम से बना है, हीम का मतलब ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है रोकना, यानी ब्लड बहते हुए ब्लड को रोकना, दैट इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्लेटलेट्स का। कैसे, ये प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन करता है। हीमोस्टेसिस प्रोसेस हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर आपने देखा था किस तरह से प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन करके उस इंजर्ड पार्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। अब लास्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा भी गया 7 नंबर में, एक एक पॉइंट इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। आप जानते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या है ब्लड का, गैसियस को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन को ले जाना हो फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू, चाहे CO2 को लाना हो फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग, क्लियर। वैसे काम ये कौन करता है, RBC करती है। तो RBC किसका पार्ट है, ब्लड का। तो हम कहेंगे ना कि ब्लड का ये काम है। सेकेंड पार्ट, इट ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट टू द लंग्स किडनी स्किन एंड इंटेस्टाइन फॉर एक्सक्रीशन। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसको भी ब्लड कैरी करता है, क्लियर, और बाद में उसका प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी ब्लड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हारमोन्स विटामिन्स एंड साल्ट। आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर हारमोन्स भी पाए जाते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और साल्ट भी होते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ये सारे हारमोन्स है, विटामिन्स है, साल्ट है, ये मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ को मेनटेन करते हैं। तो ब्लड का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट द मेटाबोलाइट आदर प्राइमरी और सेकेंडरी, चाहे प्राइमरी मेटाबोलाइट हो चाहे सेकेंडरी हो, उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन थ्रू WBC एंड एंटीबॉडी। ब्लड का काम क्या है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, किसके ज़रिए, WBC या एंटीबॉडी के ज़रिए। नेक्स्ट, इट हेल्प इन कोआगुलेशन थ्रू द
इंटरनल क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड स्टॉप ब्लीडिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है या फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है, तो उनका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो ब्लीडिंग स्टॉप में भी ये मदद करती है, एक तरह से खून के थक्का जमाने में भी ये मदद करता है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके रोल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट थे, 8-10 पॉइंट है फंक्शन ऑफ ब्लड के। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क सेक्शन में मिलेंगे। आप प्लेन पेपर पर उसको सॉल्व करके वहीं पर अपलोड करेंगे। रोज़ की रोज़ जितना भी वर्क दिया जाता है इसको आप कंप्लीट करते रहिए, इसी के बेस पर आपके जो इंटरनल मार्क्स है, सेशनल मार्क्स है, वो दिए जाएंगे। तो इसमें ज़रा भी लापरवाही आप लोग ना करिए, क्लियर। चलिए इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।